शाहरुख खान की मूवी जवान लगे हुए ये तीसरा सप्ताह चल रहा है और अभी हम खड़े हुए हैं विजय पिक्चर पैलेस में और यहाँ पे अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो दर्शक हैं उनका फीडबैक लिया कि और देखा कि इनको मूवीज कैसी लगी, तो सभी ने बताया कि इसमें जो सॉन्ग्स थे, डायलॉग थे, शाहरुख खान जी के बहुत अच्छे थे और ये गदर 2 के कंपेरिजन में जो जवान है दोनों लगभग पैरेलल में चल रहा है। अभी हमारे सामने कुछ दर्शक, कुछ छोटे बच्चे भी हैं और उनकी मम्मी भी हैं, मूवी देख के निकली हैं। हम इनसे जानेंगे जवान मूवी इनको कितना अच्छा लगा। प्लीज अपना नाम बताइए और बताइए कैसा लगा। मेरा नाम प्रीति सिंह है और अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए, फैमिली के साथ देखिए, अच्छी मूवी है। तो अच्छी मूवी तो लगभग सभी होती, इसमें और मूवी में क्या अंतर आपको देखने मिला? अंतर इसमें शाहरुख खान मतलब फेवरेट एक्टर है मेरा, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। अच्छा, इसलिए एक्शन है। हाँ, और इंस्पिरेशन भी दी जा रही है कि कैसे मतलब लोगों को काम करना चाहिए, फिर मतलब कि मोटिवेट किया जा रहा है कि अपनी पावर्स कैसे यूज करनी चाहिए, मतलब कि एक सीख दी जा रही है लोगों की कि हम लोग को मतलब कैसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और किसके प्रति करना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके प्रति नहीं करना चाहिए, जिनके पास पावर वो अपना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और जिनके पास नहीं है वो अपना नहीं कर पाते, तो वो समझ के दें जी, यही वो उसमें मैसेज हमको लग रहा है। आप बताइए अपना। मुझे तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी। इस मूवी में हमें ये बताया गया है कि कैसे फार्मर्स के साथ गलत होता है और आजकल हॉस्पिटल्स में भी बहुत गलत होता है, आपके ना पढ़े लिखे होने पर आपका मिसयूज भी हो सकता है हॉस्पिटल्स में। तो किस कॉलेज में, स्कूल में पढ़ती हैं आप? हम SV अकेडमी में पढ़ते हैं। मैं नवस नेशनल एकेडमी। मेरा नाम समीर खान है और मैं जवान देखने गया था। शाहरुख खान का फिल्म बहुत बढ़िया था, जवान एक नंबर फिल्म है। शाहरुख खान पूरा वर्ल्ड का किंग है, हम मानते हैं कि शाहरुख खान बादशाह है और इससे बढ़िया कोई फिल्म नहीं बनाता है और जो भी देखे वो सब बढ़िया था। आप तो अभी यंग हैं, तो फिर इसमें कुछ मैसेज मिला होगा, शाहरुख खान ने दिया होगा, क्या मैसेज दिया है? वोट का था और डॉक्टर सरकारी अस्पताल का था, ये सब था। बहुत बढ़िया फिल्म हुआ, हमको देखे हमको बहुत अच्छा लगा ये फिल्म। तो अभी आपकी एज कितनी है? एज है 16 साल। तो अभी आप तो वोट दे ही नहीं सकते हैं? हम नहीं देख सकते हैं और हमारे घर वाले देते हैं जी। हमारे माँ तो बाप अपने फैमिली को बुलाया देखने के लिए? मेरे फैमिली नहीं है, घर पे हैं। अच्छा, पहले ही देख चुके हैं लोग। देख चुके हैं लोग। चलिए ठीक है, धन्यवाद। कैसी लगी मूवी? बहुत बढ़िया सर, मूवी एक नंबर है। डायरेक्शन वगैरह सब बहुत अच्छा है, एक नंबर है। और भीड़ भी अभी थोड़ा कम हो रहा है, भीड़ थोड़ा कम हो रहा है, बट जो लोग जिनको पसंद आ रही है सर, हम तो कहेंगे ये दोबारा मूवी फिर देखना चाहिए, क्या अच्छी स्टोरी है सर। और शाहरुख खान का तो एक्टिंग एक नंबर है और बाकी जो विजय सेतुपति सबका एक्टिंग एक नंबर है, सब बहुत अच्छी का जो एक्टिंग जो रोल निभाए हैं, सब लोग बहुत अच्छा रोल निभाए हैं। और गाने वगैरह इसमें, गाने वगैरह सब अच्छे। मूवी देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ये मूवी है जवान, ये हम लोग फैमिली के साथ बैठ के भी देख सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। अनिरुद्ध का जो म्यूजिकल है, जो उन्होंने म्यूजिक दिया है, एक नंबर म्यूजिक है उनका हमेशा का, मतलब उनका जो म्यूजिकल होता है बहुत अच्छा है, सब कुछ हर एक चीज परफेक्ट है, नॉट आउट है। पॉलिटिकल मैसेज ये है कि हमको जैसे अपने नेता को जैसे चुनने से पहले उनसे मतलब पूछना चाहिए कि वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसे ही धर्म जात देखकर वोट नहीं करना चाहिए, काम देखकर करना चाहिए, ताकि अगर काम देख करेंगे तो आने वाली जैसे प्रॉब्लम्स वगैरह जो फिल्म में दिखाई गई हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज नहीं होती हैं और बाकी जगह किसान वगैरह के लिए, तो ये सब अपने आप ही खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। यही चीज मैसेज है, पूरा पॉजिटिव मैसेज है, प्योर मैसेज है। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी। इधर देखिए, हाँ बहुत अच्छी। कहाँ से आ रहे हैं आप? गोरखपुर, मतलब यहीं से है, बगल में क्या स्टूडेंट है। सैन अली। आप बताइए। साहिल अली। कैसा लगा मूवी? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा, पहली बार ये देख रहे हैं? यस। इसमें क्या अच्छा लगा? गाने थे कि डायलॉग अच्छे थे कि मार धाड़ अच्छा था, क्या अच्छा लगा? मार धाड़ अच्छा लगा इसमें, शाहरुख खान का सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। कोई गाने इसमें आपको बहुत अच्छा लगा, कौन सा गाना अच्छा लगा? अच्छा लगा राम भैया। एक बार जरा सुना दीजिए। नमस्कार, हमारे साथ बैठे हुए हैं विजय पिक्चर पैलेस के मैनेजर श्री स्वतंत्र पांडे जी और इनसे हम जानेंगे कि अभी जो मूवीज जवान जो है दूसरा सप्ताह चल रहा है, गदर 2 और इसके कंपैरिजन में
क्या अंतर दोनों में रखते? गदर गदर फैमिली टच की मूवी थी, वो बहुत अच्छी मूवी थी, उसमें कहानी भी थी और ये एक्शन मूवी कभी भी एकाएक उठता है फिर उसका फॉल डाउन बहुत जल्दी हो जाता है। तो एक हफ्ते बहुत अच्छी गई लेकिन ये सेकंड वीक में धीरे 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 ये डल होते गई और 50% कैपेसिटी इस समय है। गदर तो हमारे यहाँ 4 हफ्ते चला है, लगातार हाउसफुल चला है, ये दूसरे हफ्ते में डाउन होना स्टार्ट हो गया। और गदर पूरी फैमिली देख रही थी, इसमें कि वो फैमिली वाली टच नहीं है, इस वजह से गदर इससे बेटर थी। तो अभी जैसे ये मूवीज में एक मैसेज जा रहा है कि वोट किसको दें, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा क्या कहेंगे? वोट ओपिनियन अपना अपना, अब किसकी, कोई किसी पार्टी को मानता, कोई किसी पार्टी को, तो इसे हम कैसे बता जिसके मर्जी जहाँ वोट दे। शाहरुख ने तो कहा कि जहाँ सोच समझ के वोट दीजिए, जहाँ देश तरक्की करे, लोगों का विकास हो, इसी सब के ऊपर है, अपना बुद्धि विवेक से लोग वोट करें, किसी को कोई पर्सनल नहीं कह सकता। कुल मिला के ये दूसरा सप्ताह चल रहा है, तो जिस हिसाब से पहले सप्ताह में इसने ऊंचाइयों को छुआ था, दूसरे सप्ताह में धीरे धीरे अब ये धीरे धीरे डाउन हो रहा है और तीसरे हफ्ते में तो हमको लग रहा है कि बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा। फिर नई मूवीज जो भी रिलीज होगी, फ्री आ रही है फ्राइडे से, नेक्स्ट फ्राइडे, अभी कल दो मूवी रिलीज है, वो भी शो शेयरिंग करके लगेगा, तो ये हर जगह इनका शो कम हो जाएगा कल से। थैंक यू सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।